हेलो माई ब्यूटिफुल पीपल हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट यस आई नो कि आपको ये लग रहा होगा कि कोई इंट्रो वीडियो नहीं है आई मीन डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया वीडियो सो so, यस yes, आज का जो वीडियो है वो एक वीडियो नहीं एक ब्लॉग है सो so, ये ब्लॉग है टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा आई I मीन mean, पता चले गया होगा कि मैं लास्ट वीकेंड ही अपने ससुराल गई थी सो so, मैंने सोचा चलो यार थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए थोड़ी सी ब्लॉगिंग किया जाए और ब्लॉगिंग सीखा भी जाए कि कैसे करते हैं जो लोग इतना मेहनत करते हैं वो कैसे करते हैं तो यस हमने भी ट्राई किया थोड़ी सी कोशिश की है आप देखो तो बस हमारी ट्रेन थी न्यू दिल्ली से टोहाना तो के लिए और ये कुछ तीन घंटे की होती है तो हम बस लाइन में लग चुके थे क्योंकि हम मतलब आई I मीन mean, मैं ऑफिस से ही निकली थी डायरेक्टली क्योंकि हम मेरे घर जाने के टाइम नहीं था और तो फिर सारे सामान पैकिंग वगैरह करके हम ऑफिस पहुंचे थे उसके बाद डायरेक्टली ऑफिस से मैं और मेरे हस्बैंड जो थे वो निकल चुके थे स्टेशन के लिए उसके बाद हम स्टेशन पहुँचे फिर हम बस अब स्टेशन पर वेट कर रहे थे क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वो हाफ एन आवर लेट चल रही थी शुक्र है कि आधे घंटे ही लेट थी नहीं तो ये ट्रेन तो काफ़ी लेट होती है बट हम बच गए उसके बाद हमने की थोड़ी सी फोटो सेशन ताकि हम अपनी शक्लें दिखा सकें कि हम एक्चुअली में ऑफिस के तहत थके हारे थे और बस जा रहे थे और उसके बाद हमें याद आया कि हमें यार कुछ खाने पीने का भी लेना होगा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि रास्ता तो ऐसे नहीं कटने वाला तो बस मेरे हस्बैंड गए कुछ यमी सा खाना पीना लाने यमी सा क्या ही कुड़कुड़े और चिप्सी खाती हूँ मैं तो <laughs> तो बस वो लेके और हम थोड़ा सा आगे चल दिए और बस हमें हमारी खुशी देखी सामने आई I मीन mean, हमारा ट्रेन जो था वो आ गया था और बस और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन में और बस हम रात को पहुँचे थे अराउंड घर पे पहुँचे थे अराउंड डेढ़ बजे रात को हाँ डेढ़ बजे अराउंड पहुँचे थे और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था तो हम सो गए थे हाँ तो आप देख सकते हो इस वीडियो में कितनी भीड़ थी तो बस फिर हम सुबह उठे और सुबह उठने के बाद मम्मा और मोहित जो थे लाइक मेरे हस्बैंड जो थे वो बातें शादे कर रहे थे और हम भी बातें शादी कर रहे थे फिर मम्मा ने बताया कि चलो आज मंदिर जान रहे है क्योंकि सावन चल रहा है और मेरी मम्मा जो है आई I मीन mean, मेरी मदर इन लॉ जो है वो आ, सावन में जाती है कंटिन्यू पूजा करने तो उन्होंने डिसाइड किया होता कि हम जब आएंगे तो हमें भी लेके जाएंगे तो बस अब सावन है तो मैंने सोचा चलो सोलह सिंगार कर लिया जाए क्योंकि तो फिर मैंने सोचा अब यार डे टू डे लाइफ में ऑफिस में ना एक्चुअली क्या होता है कि इतना मैं अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाती और मेरे को बड़ा शौक़ है इन चूड़ियों पहनने का चूड़ियाँ पहनने का पायल पहनने का और ऐसे रिंग्स पहनने का तो बस यही मौका था मस, मौका था दस्तूर था तो बस मम्मा ने भी बोला और मैंने सोचा चलो, चलो, चलो पहन लेते तो ये मैम पहन ली थी अपनी पायल और बिछुए भी थे मैंने बिछुए भी पहन लिए थे तो ये देख सकते हो आप मेरा सुन सुंदर से पैर <laughs> उसके बाद मैं चली गई थी रेडी होने क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही थी मतलब आई मीन हम बहुत ज़्यादा लेट उठे थे ऑलरेडी तो मंदिर के लिए काफ़ी लेट हो रहा था उसके बाद मैं ऊपर गई क्योंकि मैं हमारा रूम जो था ऊपर में था तो ये देख सकते हो आप मेरा छत है और बेसिकली ये है हमारा इलाका आई I मीन mean, <laughs> हमारी गली और यस उसके बाद इतना सारा टाइम था ही था मे बी लेटर ऑन मैं दिखाऊंगी आपको और अच्छे से तो बस फिर क्या था मैं चली गई अपने रूम में रेडी होने और ये रहा मेरा रूम और ये रही मैं और ये रहा मेरा सूट यस और ये जो सूट था वो मेरी मदर इन लॉ ने ही मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे तो उन्होंने बोला कि चलो आज यही पहन लो बस फिर यही पहन लिया और अपना मेकअप का पिटारा लेके मैं रेडी हो गई कि मेकअप कर लिया जाए थोड़ा सा और ये एज़ यूजल मेरे से कोई चीज़ें तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई कुछ ना गिरे तो बस इसके बाद सबसे पहले मैंने लगाया अपना मॉइस्चराइज़र और बस मैंने कोशिश कर रही थी कि मैं बस जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी मेकअप करूँ और जल्दी से नीचे भागूँ उसके बाद लगाया था मैंने अपना सी सी क्रीम लैकमे का ही सी सी क्रीम लगाया था मैंने और और ये क्रीम लगाने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने अपना ब्लेंडर और मेकअप ब्रशेस सेट जो था वो भूल गई थी बड़े ही अच्छे तरीके से और कुछ भी नहीं लेके आई थी तो अब कुछ कर नहीं सकती थी तो फिर मुझे हाथ से ही ब्लेंड करना पड़ा सारी चीज़ें जो थी वो मुझे फिर मैं ब्लश पैलेट वगैरह सब कुछ लेके आई थी बट फिर कुछ भी यूज़ नहीं कर पाई क्योंकि ना मेरे पास ब्रशेस थे ना मेरे पास ब्लेंडर था अगर ब्लेंडर भी होता तो भी मैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेती बट कोई ऑप्शन नहीं था फिर मैंने अपना फेस पाउडर यूज़ किया जो कि था ल्लैक का ही लैक में एक ऐसा ब्रांड है गई कि आप उसको ट्रस्ट कर ही सकते हो लाइक उसमें आप फेल नहीं हो सकते तो मैम बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो में की यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी लाइक मेरी मम्मी जो थी वो ऑलमोस्ट जो है वो में का ही प्रोडक्ट यूज़ करती हैं अभी भी काफ़ी क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोडक्ट मम्मी के पास मेरी मम्मी के पास लैकमेक ही प्रोडक्ट है तो वो वही यूज़ करती है और मैंने भी बचपन से वही यूज़ करा है तो बस वही फेस पे बहुत अच्छा सूट कर गया और उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना वो बड़े अच्छे से ना बड़ी बचपन वाली वाइब देती है और जब हम छोटे छोटे थे और मेरी तो आदत थी मुझे मेकअप बहुत पसंद है एज़ यूजुअल आप जानते हो मेरे सारे वीडियो से कि मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है तो बस मैं तो कितनी बार ये करती थी कि मम्मी का लिपस्टिक लगाने के चक्कर में मम्मी की लिपस्टिक ही तोड़ दिया मैंने जब मैं छोटी होती थी तब <laughs> तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी जो कि मैंने अपने ब्लॉग के बीच में सुना दी आपको बस फिर क्या था मैंने आईब्रोज कर लिए थे अपने फिर आईब्रोज तो बहुत ही ज़रूरी है ऑब्वियसली। आईब्रोज़ के बिना तो मैं जा ही नहीं सकती कहीं उसके बाद फिर मैंने आईलास्कर्ल कर लिया था फिर मैंने यूज़ किया था अपना फेवरेट मेवलिन का मस्कारा एंड उसके बाद मैंने लगाई थी ये रेड कलर की चमचमाती हुई लिपस्टिक और ये चमचमाती हुई लिपस्टिक कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी तो मैंने सोचा इसका टोन डाउन किया जाए थोड़ा और अपना ऑफिस वाली जो लिपस्टिक है मेरे लैकमे की ही न्यूट शेड में थोड़ा सा उसको मिक्स किया जाए तो बस फिर क्या था वो कर लिया उसके बाद मैं बिंदी डिसाइड कर रही थी कि मैं कौन से बिंदी लगाऊं और मुझे समझ नहीं आया था फिर मैं सोच रही थी कि अपने ड्रेस कलर का ही लगा लेती हूँ फिर मुझे मिला था ये कुछ टील से कलर का बिंदी बट मुझे इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि मुझे ना डार्क शेड ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने सोचा चलो मरून ही लगा लेते हैं तो बस फिर मैंने मरून लगाया और ये मुझे अपने फेस पे अच्छा लग रहा था उसके बाद आती है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वेरी वेरी नेसेसरी इसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि वी रियलाइज़ की यस मेरी शादी हो चुकी है आई रियलाइज़ नॉट वी आई रियलाइज उसके बाद मैंने अपना जो हेयर था वो अच्छे से बांध लिया था उसके बाद ये रहा इसका सुंदर सा दुबट्टा जो कि मैंने ये भी कैरी कर लिया था और ये रही मैं पूरे आउटफिट पहनने के बाद और बस इतना ही फ़ोटोशूट सेशन हो पाया कोई ऐसे फ़ोटोज़ ले नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी बस भाग भाग के नीचे गई और बस फिर क्या था हम निकल चुके थे मंदिर जाने के लिए मैं और मम्मा और उसके बाद हम बस निकले उसके बाद आप मोहित की बात सुनो वो क्या कह रहे हैं मुझे दिखाई नहीं देगा कैसा रिकॉर्ड हो रहा है होने दूंगा ये सामने वालों के घर से पत्ते और फूल चोरी करते हुए दो औरतें आपने तो मोहित की बात सुनी ली होगी क्या कह रहे हैं वो उसके बाद ये था हमारे डैडी का शॉप क्योंकि हमारे घर के अंदर ही है और उसके बाद बस हम निकल चुके थे मंदिर के लिए और मंदिर जाने के रास्ते में हमें मिली एक आंटी जो कि आई मीन हमारे रिलेटिव ही हैं तो बस उनसे मिले क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद आते हैं तो यहाँ पे हमें आंटीज़ मिलती है और वो कहती हैं बेटा तुम तो मिलते ही नहीं हो उसके बाद फिर मिली हमें मिन्नी दी जो कि हमें रास्ते में मिल गई और फिर हमने सोचा चलो उनको भी लेके चलते चलते साथ में मंदिर उनको भी दर्शन करा लेंगे <laughs> तो बस हम फिर मिन्नी दी मैं मोहित और मम्मा साथ में चले गए मंदिर और ये बस आ गया था हमारा मंदिर जो था शिव और पार्वती माता का मंदिर बस हम एंटर कर चुके थे और उसके बाद यहाँ पे जो आई I मीन mean जो आ, आ, क्या कहते हैं उनको जो इन मंदिर का जो वो देखभाल करती है पंडित जी की जो वाइफ होती है वो वो क्लीन कर रही थी बेसिकली मंदिर को और हम काफ़ी सही टाइम पे गए थे तो उसके बाद मैंने मोहित इतने जल चढ़ाया उसके बाद हम यहाँ पे भी हंसी मजाक कर रहे थे लाइक भगवान भी सोच रहे होंगे ये लोग यह, यहाँ पे ये आके हंसी मजाक कर रहे हैं घर चले जाए <laughs> उसके बाद हमारी पूजा शुरू हो गई थी बस अब हंसी मजाक नहीं कर सकते हमारी पूजा शुरू हो गई थी और जैसे जैसे मम्मा बता रही थी और वो जो आंटी बता रही थी वैसे वैसे हम पूजा करते जा रहे थे सबसे पहले हमने जो कपड़े जो हम लेके आए थे वो हमने चढ़ाया माता को महादेव को और गणेश भगवान को ये जो थी ये पूजा स्टार्ट हुई थी ऐसे और उसके बाद हम दोनों ने एक्चुअली मिलके चढ़ाया था आई I मीन mean, मैंने और मोहित ने मिलके किया उसके बाद फिर मैं अपने सर पे रख रही थी बार बार और ये जो मेरा दुपट्टा था वो संभल ही नहीं रहा था मेरे से उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी श्रृंगार किया श्रृंगार किया माता का क्योंकि ऐसा कहते हैं सावन में सोलह श्रृंगार आप खुद भी और माता को भी चढ़ाना चाहिए करना चाहिए आ, तो वो अच्छा होता है बेसिकली तो मैंने ये सारे जो थे जैसे जैसे मम्मा बता रहे थे क्योंकि मम्मा ये सारे आ, सारी चीज़ें लेके आए थे तो जैसे जैसे वो बता रहे थे मैं वैसे वैसे करती जा रही थी मैंने सबसे पहले बिंदी लगाया था फिर मैंने आ, नेल पेंट लगाया फिर मैंने हैंकी भी दी थी माता रानी को उसके बाद उसके बाद फिर मैंने मेहंदी लगाई थी थोड़ी सी उनके हाथ पे और फिर मैंने काजल भी लगाया था आप देख सकते हो तो मुझे ये करना काफ़ी अच्छा लग रहा था आई I मीन mean, मैंने फ़र्स्ट टाइम कर रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसके बाद फिर हम दोनों ने थोड़ी सी आ, फिर सारे जब ये हो गया फिर हमने प्रसाद चढ़ाया उसके बाद फिर हमें प्रसाद मिला और बस हमने आशीर्वाद लिया उनका भी और भगवान जी का भी आशीर्वाद लिया और फिर बस फिर क्या था हमारा पूजा जो था वो हो गया था और हम बस निकल गए थे घर के लिए और बस निकल ही रहे थे फिर बगल में विष्णु भगवान का भी मंदिर था तो बस वहाँ पे हमने माथा टेका हमने प्रणाम किया वहाँ पे भी और हम अपने घर की ओर निकल चुके थे उसके बाद बस हम रास्ते में ही जा रहे थे बातें बातें कर रहे थे फिर हम बातें बातें करते हुए घर पहुँच गए और घर पहुंचे तो देखा दीदी भी आ चुकी थी लाइक घर के जो सफाई के लिए आती हैं दीदी वो भी आ चुकी थी वो कर रही थी फिर मम्मा अपने थोड़े से खाने पीने में लग गए थे फिर मम्मा ने डिसाइड किया था कि वो आप देख सकते हो तंदू प्याज वाली रोटी है तंदूर की और मक्खन और दही आहा हाहा हाँ मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है ये देख के और ये मेरा फेवरेट था मम्मा ने काफ़ी टाइम से डिसाइड कर रखा था कि जब मैं आऊँगी तो ये बनाएंगी वो और ये थी लस्सी और ये जो इतने झाग वाली जो दिख रही है वो मेरे लिए थी और ये मैं पी रही थी और ये आप देख सकते हो मैं मोहित को मना कर रही थी बट वो स्टिल मेरे वीडियोस बनाए जा रहा था फिर खाने पीने के बाद हमने बढ़िया सही सा फ़ैमिली टाइम इन्जॉय किया डैडी भी आ गए थे हम सब बातें शाते कर रहे थे बेसिकली बातें शातें नहीं हो रही थी वो मम्मा जो थी वो डैडी की फेसबुक फेसबुक स्टोरीज सुना रही थी और हम बस हंस रहे थे कि डैडी ये कर रहे थे फेसबुक पे वो कर रहे थे और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि फेसबुक जो था वो मम्मा का ही था ये डैडी का डैडी का अपना कोई अकाउंट नहीं था मम्मा के अकाउंट पे ही छिड़खानी कर रहे थे बेसिकली तो वही स्टोरी जो थी वो चल रही थी एकदम मस्त वाली और हम बातें शादी कर रहे थे और एकदम बढ़िया एंजॉय कर रहे थे उसके बाद फिर बातें शादी करके हम सोने चले गए थे फिर शाम को हम गए थे आ, पार्क में Uh, मम्मा ने डिसाइड किया था कि हम शाम को जाएंगे एक नया पार्क खुला है लाइक कल्पना चावला पार्क तो हमने सोचा कि चलो वहाँ पे इन्जॉय कर लेंगे वहाँ पे जाएंगे तो और वहाँ पे काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स चल रहे थे गाइज आप खुद ही सुनो वहाँ पे एकदम बहुत मस्त है और बस फिर हमने इन्जॉय किया ये अच्छा सा वेदर भी बहुत काफ़ी अच्छा था और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था लाइक like, ये पार्क जो था वो न्यू बना था बहुत अच्छा था और हमें तो बस फ़ोटो सेशन कराना था हमें और मम्मा को तो हम तो बस चले गए और मोहित को बोल दिया फ़ोटो लो हमारा उसके बाद फिर मम्मा ने इंसिस्ट किया कि चलो झूला भी झूल लो फिर हमने झूला झूले बस ये था हमारा दिन